हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। कौन है भाई? सर, मैं मोहम्मद जाहिद अली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान फैसलाबाद से। हाँ फैसलाबाद से जाहिद भाई, आप सोए नहीं भाई? अभी तो वहां पे तो बहुत देर है, 2 बजे बजे। इस वक्त आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे पूरे 3-4 माह हो गए हैं आपके पीछे सर के, आपसे बात हो सके। वाह जी, अल्लाह ताला कुछ जाए खैर दे। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं आपका नौकर हूँ। नहीं सर, अल्लाह नहीं कुछ सर, जाए खैर दे। ऐसी यकीन करें कि मैं कन्वर्ट हूँ सर, अहले सुन्नत से ना, मैं कन्वर्ट होके कब आया हूँ कब लास्ट कन्वर्ट हुए हैं स्कूल भाई? ईयर के। सर 2 साल हो चुके हैं, 2 साल, माशाल्लाह दो माशाल्लाह साल हो चुके हैं। माशाल्लाह, बड़ी बात, खुदा कबूल तो करे। मैंने काफी ये सर, ये 8 साल की रिसर्च है मेरी, ठीक है ना। तो सही ये अपनी ही किताबों से भागी हुई है वहां मैं, ठीक है। सही मैं सिर्फ माशा, इतना चाह रहा था कि मेरी आपसे डायरेक्ट बात हो जाए, आप डायरेक्ट मुझसे मुखातब हो जाए। तो ये मेरे लिए बहुत ही तीन करे, मैं कहते ना कॉन्फिडेंस वाला इंसान हूँ, मगर मेरा लूज हो रहा है सर। इतनी बड़ी शख्सियत के सामने आज मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझसे बात नहीं हो पा रही सिर्फ। तो मैं आपका खादिम हूँ भाई। भाई साहब, खुदा आपको जजाए खैर। आपके घर वाले वो भी शे हो गए या सिर्फ आप शे हो गए? नहीं सर, मेरी वाइफ है, ठीक है। वो मैं नान के और दाद के पूरे खानदान में अकेला ही हूँ ऐसा, ठीक है। और मुझे अच्छा, फखर है इस बात पे। रिश्तेदार माशाल्लाह माशाल्लाह। रिश्तेदार आपको सताते हैं नहीं सताते? हुक्का पानी भी बंद हुआ, बर्तन भी लैदा हुए, सारा कुछ लैदा हुआ है, अच्छा ठीक है। चले, कोई बात, हाँ अल्लाह के लिए जी, सब कबूल है ना, अल्लाह के लिए, क्यामत के लिए, जन्नत के लिए सब कबूल है, ठीक है कि नहीं? सर ऐसे ही है। मैं तकरीबन आपको 6-7 माह से सुन रहा हूँ लास्ट, ठीक माशाल्लाह है। तो माशाल्लाह। जो आप, मैं एक बार मैं GTS अड्डे में था, जो बसों वाले स्टैंड है आपके सर, ठीक है। ऐसे फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा स्टॉप है GTS। जी तो मैं आपकी कॉल सुन रहा था, आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा सर मैं नहीं, बात करें हम। बिस्मिल्लाह। जी। शुक्रिया। तो आपकी एक वीडियो देखा था मैं, हालांकि वो यूट्यूब पे स्क्रॉल करके एक रिकॉर्डेड वीडियो थी, मैं बाद में भी देख सकता था। वो खुर्शीद आलम था कोई? खुर्शीद आलम साहब थे। तो उसने बहुत ही ना बकवास की हुई थी आज तक ना। तो जब मैंने उसकी जो मैं जो आपकी फर्स्ट वीडियो मैंने देखी, ठीक है, सही जिसमें आपने कहा कि ये तुझे उम्र ही होने पे दुख है, ठीक है, ये तेरे मजहब की बतलान के लिए काफी है, ठीक माशाल्लाह है। माशाल्लाह। तो वो मैं सर वो रोड भी क्रॉस कर गया, वो पैदल चल, मेरा शूज वो थोड़ा सा अटक गया फुटपाथ पे, मुझे वो भी नहीं पता। हैंड फ्री मैंने लगाई हुई है, ठीक है, हंसता जा रहा हूँ मैं, कोई मुझे होश नहीं है, ठीक है। तो वो मैं ये नहीं हुआ कि मैं इसे डाउनलोड कर लूं या बाद में देख लूं या मैं रोड से ही तरह क्रॉस कर लूं, बस वे एक फारग लोग मुझे देख रहे हैं, इस लड़के को क्या हुआ यार, हंसता ही जा रहा है और चलता ही जा रहा है, ठीक है। माशाल्लाह, सर खुदा आपको जजाए खैर दे। तो आप जिंदा रहते रहो, किधर रहते हैं सर जिंदगी में? माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा आपको और इज्जत कभी दे। फैसला आप कभी पाकिस्तान कभी कभी पाकिस्तान आ सकते हैं आप? कभी आएंगे, कभी वो आपकी शहीद, जियारत हो जाए, कभी पाकिस्तान सामने शहीद होने देख के लिए सके आना होगा आपको? ना उधर पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता, मुझे हुकूमत पाकिस्तान तो मुझे वीजा भी नहीं देगा ना। वो हुकूमत पाकिस्तान मुझे मुश्किल है मुझे वीजा देना। हाँ, पहली बात है कि मुझे वीजा नहीं मिलेगा। वीजा मिल भी जाए ना, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, वहां पर आपको पता है कि वायलेंस वहां पे बहुत है, दहशतगर्द वहां पे बहुत है, और आपको पता है कि शिया भी मेरे दुश्मन है, मुखालिफिन तो वैसे भी मेरे दुश्मन वाट लगा दी है सर, वाट लगा दी, अल्फाज नहीं है हमारे पास, धुलाई करके रख दी है हर चीज की। शेर है तो अल्लाह की तरफ से, एक जिंदा मौजजा है। खुशामद खुदा करने आपको, वाले पे लानत लानत है, आप एक बहुत बड़ा मौजजा है। खुदा आपको जजाए खैर। आप हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला आप जैसे भाइयों की तादाद में इजाफा फरमाए, और आपको इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल दुनिया व आखिरत में खुश रखे, सेहत दे, सलामती से रहें। बहुत मेहरबानी आपकी मेरे भाई, या अली मदद, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, इज्जत लव यू से सर। रहें। बहुत थैंक यू, थैंक यू, खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे भाई शिया हो गए, ठीक है ना, इन जैसे बहुत सारे लोग शिया हो गए। तो मेरी बात जो है ना, मेरे भाई जो गैर शिया हैं, जो अहले सुन्नत कहलाते हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, मेरे असातीद हैं, मौली साहब, मौली हजरात हैं, खुदा मताल आप सबको इज्जत सलामती सलामती दे।
आफियत दे आप सबको। ये लोग जो शिया हो रहे हैं ये तहकीक के साथ, ये इनको पैसे नहीं मिलते शिया होने के लिए, इनको बहुत, आपको पता है पाकिस्तान कितना एक मुतासिब वहाँ पे, कितना रेडिकल सोसाइटी है वहाँ पे, तासुब कितना है। तो ये अपने रिश्तेदारों से अलग हो के और ये शिया बन रहे हैं, या तशय्यों में डिस्क्रिमिनेशन मिलता है इनको, इनको इनको यानी इनके रिश्तेदार के खिलाफ हो जाते हैं, सरकारी इदारों में काम हो तो इनके काम वहाँ पे अटक जाते हैं, लोग उनसे दुश्मनी करते हैं, लेकिन ये लोग शिया होते हैं। क्यों ये लोग शिया होते हैं? और ये ऐसे जवानों के, नौजवानों हमारी माओं की बहनों की कमी नहीं है जो शिया बन रहे हैं। तो मेरी अर्ज़ यह है जो मेरे भाई हैं जो अभी तक शिया नहीं हुआ उनके खिदमत में, आप हमारी बातों को सुन लें अच्छी तरह से, हम जो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं ना, हम आपको किसकी तरफ बुला रहे हैं? हम आपको किसी गलत रास्ते पर नहीं बुला रहे, हम आपको मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बुला रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी खुलफा, हकीकी जानिशीन, इनकी ताअत आप पर वाजिब है, जिनकी इत्तबा आप पर वाजिब है, और वह अइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम हैं आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम से, जो इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस, उनकी तरफ हम आपको बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारी इस पैगाम को सुने, समझें, इसमें आपकी आखिरत की भलाई है, इसमें आपकी दुनिया की भलाई है, इसमें बरकत ही बरकत है। और एक दफ़ा अगर आप इश्क हैदर अलैहिस्सलाम में डूब गए, हुब्बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको मिल गई, तो वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी, मैं लफ्ज़ शराब इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि शराब में जैसे, वो एक ऐसा माजून है, एक ऐसा कीमिया है जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आपके और अतवार को बदल दे। इश्क अहले बैत अलैहिस्सलाम एक ऐसी चीज़ है, अगर एक दफ़ा इंसान के दिल में आ जाए ना, तो फिर वो दुनिया की तरफ और ही निगाहों के से के साथ देखता है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानिशीन अबू बकर उमर नहीं है, ये गासिब हैं, ये चोरी के सियासत के ज़रिए दुनिया की तारीख बरी है। ये लोग हुकूमत पकड़ने के लिए झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो ये शरीयत तोड़ के इनको खिलाफत मिली है, ये नुसूस की मुखालफत करते हुए इनको हुकूमत मिली। हकीकी जानशीन और थे जिनके साथ उम्मत ने गद्दारी की है, जिनके साथ उम्मत ने गद्दारी की, वो उनका नंबर वन जो खलीफा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उनके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके बाद नौ मजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के औलाद से, उनकी नस्ल से, उनकी आप मारिफत हासिल करें, उनकी इत्तबा करें। दीन यही है जो अल्लाह ने जो जिब्राइल को दिया था, वो वही है, बारह इमामों की इमामत, बारह इमामों की इत्तबा, वही हकीकी दीन। ये हमारे पैगाम आप समझें, हम ये बातें जो कह रहे हैं इन बातों के लिए हमारे पास बड़े दलील हैं, और इसकी सच्चे होने की जो वाज़ह हुज्जत है ये है कि मैं यहाँ पर हमेशा कहता हूँ कि अपने उलमा को बुलाओ, आपके उलमा के साथ हम गुफ्तगू करें, हम हर चीज़ आप ही के किताबों से साबित करने के लिए तैयार हैं।